रही है नहीं आने के लिए भी जरूरी है। संविधान में सभी लोगों का नहीं ध्यान रखा गया है, सबको समान रखा गया है। देश में रहने वाले विभिन्न जाति संप्रदाय और कोई भी अमीर हो गरीब हो, सबके लिए जब हम नियम कानून की बात करते हैं तो वो सबके लिए एक हो जाता है। अपने आंतरिक नियम जो धार्मिक मामले होते हैं उनको उन पे भी संविधान स्वतंत्रता की बात करती है और उसमें भी समानता की बात करती है। इसीलिए तो संविधान सर्वोपरि है। क्यों संविधान को सर्वोपरि रखा गया है? संविधान है तभी हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं और तभी आप हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं रहेगी तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध करने का, अगर किसी चीज़ का हम किसी गलत है और उसका हम विरोध करते हैं तो इसका अधिकार भी हमें संविधान ही देती है। इसीलिए इसमें जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारा नियम कानून है देश का। इसीलिए तो हमें ये संविधान को हम मानते हैं कि ये संविधान जिसने बनाया उसकी आज हम जयंती पे जो बैठे हुए हैं इसीलिए तो हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए तो हमारे लिए श्रद्धेय है कि उनके कारण ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, लोग संविधान बचाने की तो बात कर रहे हैं लेकिन देश में बढ़ती जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पर न तो कोई बात कर रहा है ना ही कोई चर्चा कर रहा है। इसी बात की तो दुख है कि बेरोजगारी का मुद्दा बनने ही नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, ये मुद्दा आज के डेट में बन ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं कि लोग उस पर भटक जा रहे हैं, जबकि आज देश में ये लोग वादा करके आए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई पर इन्होंने कंट्रोल लगाने की बात की थी, लेकिन आज देखिए गैस का दाम, पेट्रोल का दाम जो कि पिछली सरकारों में जो 70-80 के आसपास था वो आज 100 के पार चला गया है। जो 500-400 में जो हमें रसोई गैस मिलते थे वो आज कहीं ना कहीं वो 1000 रुपये के आसपास चला गया है। तो हमने तो इस पे बात ही नहीं किया है, ये मुद्दा ही होना चाहिए। आज के डेट में भी यही मुद्दा है, बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है और प्राइवेटाइजेशन जिस कदर बढ़ रहा है ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। आपका बैंक का नौकरी ख़त्म हो गया, रेलवे का नौकरी ख़त्म हो गया, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सारी चीज़ों को बेच दिया जा रहा है। एक निजी आदमी को इस देश का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि कतई स्वीकार्य नहीं होगा। हम लोग सभी लोग इसका विरोध करते हैं और इस देश में जनता बेरोजगारी को ही मुद्दा मानती है जो इस सरकार, केंद्रीय सरकार देने में विफल रही है। तो